दोस्तों साई केतन राव एक इंडियन एक्टर है जो कि स्टार प्लस की मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल मेहंदी है रचने वाली में राघव के किरदार में काम करने के लिए जाना जाता है। फिर इसके बाद इनको स्टार प्लस की चश्मी में रौनक बब्बर के किरदार में देखा गया है और वो फिलहाल कलर्स टीवी की मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में नजर आ रहे हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे साई केतन राव के लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको भी बिग बॉस देखना पसंद है तो वीडियो को कर देना लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इनका जन्म 10 जुलाई सन 1994 को महाराष्ट्र की लोनावला में हुआ था और 2024 के हिसाब से साई केतन राव अब 30 साल का हो चुका है। साई केतन राव नेशनल सिख इंडियन है और रिलीजन सिख हिंदू है। और बात किया जाए अगर इनके जोड़क साइन के बारे में तो इनका जोड़क साइन है कैंसर। दोस्तों इनका हाइट है 5 फीट 10 इंच और वेट है लगभग 66 kg। इनका आई कलर ब्लैक है और हेयर कलर भी ब्लैक है। बात की जाए इनके शिक्षा जीवन के बारे में तो इन्होंने सन 2010 में हैदराबाद घटकेश्वर में विग्नेश प्रबोधनानंद प्रशांति निकेतन में एडमिशन ली, जहां से इन्होंने अपने स्कूलिंग की पढ़ाई पूरी की। फिर इन्होंने हैदराबाद की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में एडमिशन ली, जहां से इन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की। फिर इसके बाद इन्होंने गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला ली, जहां से उन्होंने सिस्टम इंफॉर्मेशन में MBA की डिग्री हासिल की। फिर अपनी सारी एजुकेशन पूरी करने के बाद सन 2017 में हैदराबाद की रमा नायडू फिल्म स्कूल में एडमिशन ली, जहां से इन्होंने एक्टिंग की कोर्स पूरी की। दोस्तों साई केतन राव का जन्म महाराष्ट्र लोनावला की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, लेकिन इनका पालन पोषण हैदराबाद में हुआ है। इनके पिताजी एक महाराष्ट्रियन थे और इनकी माताजी एक हैदराबादी थी। साई केतन राव जब बहुत ही छोटा था तभी इनके पिताजी इनके फैमिली को छोड़ दिए थे और इसे चलते इन्होंने महाराष्ट्र की सोलापुर स्कूल से शिफ्ट होकर हैदराबाद तेलंगाना में एडमिशन ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक साई केतन राव जब 10 साल का था तब उन्होंने उनकी माताजी को कहा था कि वो बड़े होकर एक एक्टर बनना चाहता है, लेकिन शुरुआत में उनको उनकी माताजी की ओर से सहमत नहीं मिला था। लेकिन अपनी माताजी को लगभग 7 महीने कन्विंस करने के बाद उनकी माताजी भी उनको एक एक्टर के रूप में देखना चाहा। दोस्तों अब सुनकर हैरान रह जाओगे कि साई केतन राव को एक एक्टर के रूप में कम करने के बाद सबसे पहले 100 रुपए पेमेंट मिला था और ये पेमेंट उस वक्त उनके पास एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। दोस्तों इन्होंने अपने करियर में कई शॉर्ट फिल्म में काम की है, जिसमें सन 2017 में आया था फंस गया, जो कि हिंदी में था। फिर इन्होंने सन 2019 में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर फिल्म माय डियर रवाना में काम किया। दोस्तों साई केतन राव एक एक्टर के साथ साथ एक मॉडल है और इन्होंने कई फैशन शोज में एक मॉडल की तौर पर रैंप वॉक भी की है। दोस्तों आप लोगों को साई केतन राव कैसे लगते हैं ये नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलेगा। चलिए बात करते हैं इनके फैमिली के बारे में। दोस्तों अब स्क्रीन पे इनकी माताजी की फोटो देख सकते हैं। दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी एक बहन भी है। साई केतन के गर्लफ्रेंड की नाम है शिवांगी केतकर, जो कि प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस है। वही बात किया जाए इनके कार कलेक्शन के बारे में तो इनके पास है एक ऑडी Q7 कार, जिसका कीमत है करीबन 70 लाख रुपए, और इसके अलावा इनके पास है एक यामाहा 135cc की बाइक। तो दोस्तों ये था साई केतन राव का लाइफस्टाइल और बायोग्राफी वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो यहीं पर समाप्त होते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखा।